सागर जिले के राहतगढ़ में आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने शिरकत की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के किसानों को संबोधित कर 18,000 करोड़ की नई किस्त 9 करोड़ किसानों के खाते में वन क्लिक माध्यम से डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए कृषि बिल के बारे में बताया और कहा कि MSP लागू रहेगी, मंडी चालू रहेगी, किसान अपना अनाज का मूल्य स्वयं तय करेगा। इसके साथ ही स्थानीय विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का आरंभ किया। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि पिछली सरकार ने देश के किसानों से छलावा किया है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल के समय में भी किसानों को परेशान नहीं होने दिया, उनका गेहूं उचित मूल्य पर खरीदा एवं प्रदेश का नाम देश में रोशन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जब पीएम का संबोधन चल रहा था, उस दौरान जनपद पंचायत CEO मन्नूलाल प्रजापति गहरी नींद लेते नजर आए, तो वहीं महिला किसानों के नाम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यक्रम में बैठी नजर आई। दरअसल आज प्रशासन के आदेश अनुसार राहतगढ़ जनपद के प्रांगण में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सागर राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। डरवा है सब करवा है का वो लगे भाई ऐसे तो जब पजे ने तो हवा का हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा अगर आपका कंपनी से विवाद हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।